गाइस वेलकम बैक यार, आप सभी को फिर से बहुत स्वागत है कोर नए फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स को। गाइस जैसा कि आप जानते हो, पिछले एक दो दिन से मतलब हर जगह आपको आलोक ये वर्ड जरूर सुनने को मिल रहा होगा। आपने कंटेनर्स पे नाम लिखा हुआ देखा होगा, बोर्ड पे नाम लिखा देखा होगा, और यहाँ तक कि जो आपका लॉबी में डीजे रहता है, स्टार्टिंग आइलैंड पे डीजे रहता है, वहां पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। सो गाइस कौन है ये डीजे आलोक, कैसे ये फ्री फायर में आया, क्या है इसके स्पेशल स्किल्स, क्यों ये कैरेक्टर अब तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर माना जा रहा है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो इस कैरेक्टर को बाकी अदर कैरेक्टर से डिफरेंट बनाती हैं। और आपने सुना होगा कि मतलब कुछ बंदे बता रहे हैं कि अगर आप इसके आसपास चले जाओगे तो ये आपके स्किल्स को कॉपी कर लेगा, आपके कैरेक्टर के स्किल्स को भी कॉपी कर लेगा, ये सब वो सब। सो जितने भी आपके आज कन्फ्यूजन है ये सारे आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो अपने सारे फ्री फायर वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो बस यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस मेरा नाम है डेथ रेडर, आप देख रहे हैं डेथ रेडर गेमिंग। आइए करते हैं गेमिंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस कौन है ये डीजे आलोक। सो डीजे आलोक गाइस ब्राजील का एक डीजे है जो कि वर्ल्ड फेमस है। सो अभी में वो फ्री फायर में एज अ कैरेक्टर आया है। सो आप देख सकते हो इधर स्टोर में एक न्यू इमोट आ गई है डीजे वाली जो कि बहुत ही ऑसम है, 500 डायमंड में। और ये है गाइस वो ड्यूलक्स बंडल, तो नाम है इसका आलोक्स ड्यूलक्स बंडल। ये 1500 डायमंड का मिल रहा है। तो गाइस आप देखो मतलब इतना महंगा कोई कैरेक्टर भाई, तो यार डिजर्व भी करता है वो बंदा, आखिर एक सेलिब्रिटी है तो इतना डायमंड तो भाई डिजर्व करता है। और इसी के साथ साथ इसको मतलब खाली कैरेक्टर नहीं मिल रहा है आपको 1500 डायमंड में, आपको एक लेवल 4 का एक्सपीरियंस कार्ड और ही एक बंडल मिल रहा है गाइस जो कि बहुत ही ऑसम है। मतलब वो ड्रेस गाइस इतनी गजब है, आपने देखा होगा उस ड्रेस में एक चश्मा है और जो आउटफिट है वो तो बहुत ही ऑसम है। तो ये मैंने कर लिया गाइस इसे परचेज और मेरे को मिल गया गाइस आलोक ड्यूलक्स बंडल। तो ये जो आप इमोट देख रहे हो ना गाइस अभी, ये जो आसपास डीजे की लाइटिंग वाइटिंग आ गई, ये ना आप लॉबी में भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो मतलब बहुत ही गजब कैरेक्टर है गाइज, ये आप वीडियो को आगे देखते रहो, मैं सही बता रहा हूँ यार आप इसके दीवाने हो जाओगे। एक तो गाइज इसके लुक्स, मतलब गाइज जो इसके लुक्स है ना यार, ये बंदे के लुक ना बिल्कुल एंड्रयू और एडम के मिक्स हैं। तो चलते हैं इधर बंडल में और मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये है डीजे आलोक का बंडल। सो ये देखो चश्मा भाई क्या मस्त लग रहा है, मतलब ये जो नॉर्मल ड्रेस रहती है भाई सबसे सिंपल ड्रेस, उसमें भी ये बंदा काफ़ी कूल लग रहा है। और भाई साहब ये ड्रेस में तो गाइज अल्टीमेट लुक आ रहा है इसका। गाइज अगर आप इसका चश्मा हटा दो तो मतलब अल्टीमेट लुक आ रहा है भाई। इसका स्टांस देखो गाइज, मतलब खड़े होने का तरीका देखो इसका, किस तरीके से खड़ा हो रहा है, बिल्कुल चौड़ा हो गया भाई, गजब। और ये लेवल 4 का एक्सपीरियंस कार्ड। तो मैंने कर दिया इस बंडल को ओपन और मेरे को मिल गई है ये सारी ड्रेस। तो ये गाइज क्योंकि आलोक की सिग्नेचर ड्रेस है, तो मतलब कोई और कैरेक्टर जैसे कि अगर आप एंड्रयू या क्ला यूज़ कर रहे हो तो उस कैरेक्टर से आप इस ड्रेस को नहीं पहन सकते। इस कैरेक्टर को वियर करने के लिए, इस ड्रेस को पहनने के लिए आपको डीजे आलोक लेना ही होगा। तो डीजे आलोक को जल्दी से गाइज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम यहाँ पे खाली आलोक लिखा हुआ है बट मेरे को डीजे आलोक कहना ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये है डीजे आलोक गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ अगर नोट की हो तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा गाइज। सो क्या है ये बटन, क्या होता है इस बटन से, ये देखो गाइज जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ आप कुछ आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहा है जो कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ना ये आपको समझ में आएगा क्योंकि ये इंग्लिश या हिंदी में नहीं है। तो जब ये कभी मेरे को समझ में आएगा तो मैं श्योर आपको बता दूंगा। सो ये ना मतलब जैसे जैसे आपको इसको प्रेस करोगे ये हर बार कुछ अलग सेंटेंस आपको कहेगा, वो क्या है मेरे को पता नहीं, जिसके मैंने अभी कहा। सो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में, तो गाइज वो है इसके स्किल्स। तो गाइस ध्यान से समझना मैं इसके स्किल्स को बताने जा रहा हूँ, आप सही में इसके दीवाने हो जाओगे। तो ये बंदा क्या करता है, जैसे रेफेल में एक बटन मिलता है और वुकोंग में भी एक बटन मिलता है, इसी की तरह आपको इस कैरेक्टर में भी एक बटन मिलने वाला है। और ये जो इसके स्किल्स हैं वो कैरेक्टर एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर आपको ये स्किल यूज़ करने हैं तो इसी कैरेक्टर का यूज़ आपको करना होगा। तो जब ये कैरेक्टर फर्स्ट लेवल के इसके स्किल्स होंगे तो क्या होगा, ये अपने आसपास एक 5 मीटर एरिया स्क्वायर का एक सर्कल क्रिएट करेगा, एक ऑरा वाला सर्कल क्रिएट करेगा। सो अगर आप उस सर्कल के अंदर रहते हो तो आपकी और आपके टीममेट्स सबकी हेल्थ 5 इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 5 हेल्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी पर सेकंड, और वो भी 5 सेकंड तक होती रहेगी, मतलब हर सेकंड आपकी 5-5 हेल्थ इंक्रीज होती रहेगी 5 सेकंड तक। और उसी के साथ साथ आपकी 10% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये है जब जब ये कैरेक्टर के स्किल्स होंगे लेवल 1 के। तो मैक्स होने पे क्या होगा कि जो इसके स्पीड है वो हो जाएगी 15% इंक्रीज इसकी, और जो इसके साथ के टीममेट उस सर्कल के अंदर होंगे उनकी,
और उसी के साथ साथ जो आपकी हेल्थ है वो भी इंक्रीज होती रहेगी 5-5, 10 सेकंड तक, यानी कि इन टोटल आपकी 50 हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। और सिर्फ आपकी नहीं गाइस, आपके टीममेट की भी 50 हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कभी गरीबी चले भाई, किसी पे मेडकिट ना हो, तब ये कैरेक्टर बहुत काम आएगा। तो मेरे पास इधर अभी एक लेवल 8 का एक्सपीरियंस कार्ड है, तो चलो गाइस इसे यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया भाई, ये बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। आप सोचो यार, आप पे किसी में मेडकिट नहीं है और आप सबको हेल्थ अपनी इंक्रीज करनी है, बस डीजे आलोक के पास आओ, ये अपना जादू सा चलाएगा, सबकी हेल्थ भाई 50 इंक्रीज हो जाएगी, मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब क्लोज रेंज फाइट चल रही है आपको, जहाँ मूवमेंट स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे में इस बटन को दबाओ, हेल्थ भी बढ़ती रहेगी, मूवमेंट स्पीड भी बढ़ती रहेगी, तो मतलब ऑसम। सो ये कर दिया मैंने गाइस डीजे आलोक को मैक्स। तो अभी आप देख सकते हो मेरा करेक्टर हो गया मैक्स। तो इस पर कुछ और ड्रेस अभी हम ट्राई करके देखेंगे, उससे पहले जरा कलेक्शन सेक्शन में चलते हैं, गन हटा के देखते हैं। यार मेरे को ना देखना है कि ये बंदा लॉबी में खड़ा कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं गन हटा देता हूँ भाई, तो इधर जाते हैं और इस गन की स्किन को हटा देते हैं यहाँ से। अब एक मिनट अवतार और चेक करते हैं गाइस, इसका अवतार भी भाई बहुत ही ऑसम लगा यार मेरे को। कहाँ गया, यहीं कहीं तो था, तो और ये रहा गाइस। सो ये देखो गाइस, वाह भाई साहब, मतलब एकदम प्रोफाइल पिक्चर सी लग रही है भाई, गजब हैंडसम डूड लग रहा है बिल्कुल। तो ये देखो गाइस किस तरीके से आलोक लॉबी में खड़ा होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे चेस्ट वाइड करके अपनी, गजब लग रहा है गाइस देखने में, बहुत ही सही है। इमोट मार के देखते हैं इससे एक शेक। सो इमोट्स भी बहुत सही लग रही है। एक मिनट जरा थ्रोन वाली इमोट करके देखेंगे इससे, वो देखना चाहता हूँ मैं कैसी लगेगी। ये देखो गाइस बिल्कुल गजब लग रहा है, मतलब भाई इसकी ड्रेस ना मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगी, इस बंदे के लुक्स भी मेरे को बहुत सही लगे। बिल्कुल मैंने जैसे पहले ही बोला, एंडी और एडम का मिक्सचर है भाई, गजब लग रहा है ये बंदा। लुक तो बहुत ही ऑसम है गाइस, स्किल भी बहुत ही ऑसम है। तो चलो गाइस अब इसके स्किल को ट्राई करने का वक्त आ गया है, तो जल्दी से क्लासिक मैच लगा लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं इसके स्किल्स कैसे हैं, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, लॉबी में क्या चेंज हुआ है। अभी आपने देखा होगा शाम से लॉबी में क्या हो गया है, कि एक हमें स्टफ सा पकड़ा दिया गया, हमारी जो गन की स्किन थी वो अभी नहीं आएंगी। तो गाइस कोई घबराने की बात नहीं है, आप सोचो आपकी परमानेंट स्किन कहीं चली गई, कुछ ही समय के लिए आया है, उसके बाद वापस आ जाएगी। सो ये कुछ हमें बैट टाइप चीज़ पकड़ा दी है, आपने देखा होगा कॉन्सर्ट वगैरह में मिलती है, तो जैसे आप फायर वाला बटन करोगे ये इसको हवा में इस तरीके से हिलाने लगेंगे। और एक चीज़ गाइस, ये जो इसका ड्यूलक्स बंडल है, इसके साथ आपको एक इमोट फ्री मिलती है। तो आप देखो बीच में ये जो इमोट है, तो मतलब जो आपका स्टार्टिंग आइलैंड है, आप वहाँ पे इस तरीके की इमोट कर सकते हो। ये देखो अगर आपने ये वाला बंडल पहना हुआ है तो मतलब बहुत ही ऑसम है यार, काफ़ी सारे नए फीचर लाए बंदा अपने साथ। अभी चलते हैं, मैच हमारा हो गया स्टार्ट, तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ आलोक के फीचर। तो ऐसा करते हैं गाइज, हम कहीं दूर लैंड करते हैं, भीड़ भाड़ वाली इलाकों से दूर, और उसके बाद मैं आपको इसके स्किल यूज़ करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका जो कूल डाउन टाइम है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, दोनों हम चेक करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कूद जाएंगे, और बुलसाई तो नहीं, इधर शिपयार्ड की साइड चलते हैं, थोड़ा घुमा लेते हैं। सो शिपयार्ड की साइड चलते हैं गाइज, और वहाँ उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि किस तरीके के इसके स्किल्स हैं। कूल डाउन टाइम देखना चाहता हूँ बेसिकली मैं, कि कितने टाइम बाद इसे यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक मैच में हम इसे कितनी ज़्यादा बार या कितनी कम बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को उसके लिए, इसके स्किल्स को चेक करने के लिए अपनी हेल्थ भी कम करवानी होगी। तो इधर पीला पीला सा ये जो स्टैंड है, बहुत लंबा सा टावर टाइप जो भी है, इसके ऊपर कूदते हैं और यहाँ से नीचे कूद जाएंगे भाई फिर। तो ये सबसे पहले तो भाई इसके लुक देखते हैं, धूप में बहुत ही हैंडसम लग रहा है बंदा, क्या बात है। सो ये है गाइस डीजे आलोक, न्यू कैरेक्टर इन फ्री फायर, वर्ल्ड फेमस डीजे। तो भाई मतलब गाने बजाओ और अपने दोस्तों को नचाओ। तो वो एक थ्रोन वाली इमोट करके देखते हैं भाई, लुक्स तो यार सही में बहुत ही सही है यार। अभी कुछ दिनों मैं इस कैरेक्टर को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने इसका ऑरा यूज़ कर लिया है, और अभी क्योंकि मेरी हेल्थ फुल थी इसलिए इंक्रीज़ नहीं हुई, बट जैसे कि अब मैं नीचे कूद चुका हूँ तो देखो मेरी हेल्थ कम है। अब मेरी हेल्थ वहाँ देखो गाइस इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी हमने इसकी मूवमेंट स्पीड चेक नहीं करी, अभी मूवमेंट स्पीड भी चेक करेंगे। तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको इसकी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा लगी या नहीं। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा टाइम इधर इधर स्पेंड करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो मैंने अभी, आपने नोटिस किया होगा, जस्ट अभी मैंने इसके स्किल्स को यूज़ किया था, और अभी देखो आधा टाइम कंप्लीट हो भी चुका है, मतलब थोड़ा सा वेट और करना है फिर मैं दोबारा से इसके स्किल्स को यूज़ कर सकूँगा। मुझे कूल डाउन टाइम तो इसका बहुत सही लग रहा है भाई, देखो थोड़ा सा और रह गया बस, और अभी आप बस थोड़ी देर पहले मैंने इसे यूज़ किया था, तो मतलब इतना बुरा भी नहीं है इसका कूल डाउन टाइम, और इतना कम भी नहीं है कि मतलब बाकी बंदों को इससे प्रॉब्लम हो, बहुत ही सही है। थोड़ा सा और वेट, और अभी हम इसके स्किल्स को दोबारा से यूज़ करेंगे। 3, 2, 1, 1, 1 हो गया। सो गाइस हम दोबारा से इसके स्किल्स को अब यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करूँगा, रनिंग करूँगा, मतलब भगता रहूँगा। तो आप मेरे को ये भी बताना नीचे कमेंट में कि आपको कितनी ज़्यादा स्पीड में अंतर महसूस हुआ। तो ये मैंने कर दिया इसके स्किल्स को एक्टिव, आप देखो मेरी हेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ। ये देखो गाइस,
तो क्या लगा आपको, लगा कि कुछ मतलब इतना ज़्यादा अंतर? ये वैसे आपको आँखों से इतना ज़्यादा अंतर पता नहीं चलेगा, बट जब आप डेली टू डेली से यूज़ करते रहोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही सही है ये। तो ये देखो गाइज, एक बार और इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है, इस बार हम प्रॉपर रनिंग टेस्ट करने वाले हैं। मैं भगता रहूँगा इसके स्किल्स को यूज़ करके, और उसके बाद भी भगता रहूँगा जब इसके स्किल्स हो जाएंगे ख़त्म। तो आप मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या अंतर महसूस किया। सो ये अभी आप देखो कितना तेज़ भाग रहा है, बट जैसे ही इसके स्किल्स ओवर होते हैं, अब देखो गाइज आपने हल्का सा महसूस किया होगा कि स्पीड में हल्का सा मतलब स्पीड हल्की सी डिक्रीज हो गई है। तो ये तो था गाइस सोलो में इसका फायदा। चलो अब एक लगाते हैं स्क्वाड मैच अपने फ्रेंड्स के, अपने टीममेट्स के साथ, और देखते हैं सबकी हेल्थ इंक्रीज करता भी है या नहीं। तो जल्दी से लगा लेते हैं गाइस एक स्क्वाड मैच। सो ये लगा लिया गाइस मैंने एक स्क्वाड मैच, और अभी हम ऊपर कूदे थे, हम दोनों की हेल्थ कम है, मेरा टीममेट तो डाउन भी हो गया। एक मिनट जरा इसे रिवाइव कर देते हैं। सो अभी देखो गाइस जैसे ही मैं इसके स्किल्स को यूज़ करता हूँ, मेरी और मेरे टीममेट, यहाँ आप मैप के नीचे मेरे टीममेट की हेल्थ भी देख सकते हो, दोनों की हेल्थ गाइस, हमारी दोनों की हेल्थ इंक्रीज हो रही है। तो अभी आप देखो मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है भाई, बहुत ही सही। बट अभी जब मैं दोबारा नीचे जाऊँगा तो फिर डाउन हो जाऊँगा ज़रूर। तो नीचे चलते हैं, गया मैं भी, गया मेरा टीममेट भी गया, बट हमारा एक और तीसरा टीममेट है भाई जो हमें बचाएगा, तो इसने हमें बचा लिया है गाइस। अभी देखो, तो जैसे कि अभी आपने देखा मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है गाइस इसके स्किल्स को यूज़ करते हुए, अब मैं दोबारा से इसके स्किल को यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आप देखो, अगर इनकेस आपके पास मेडकिट ना हो, आपके फ्रेंड के पास भी मेडकिट ना हो, तो बस आपको आलोक की स्पेशल एबिलिटी यूज़ करनी है, और उसके बाद दोनों की हेल्थ फुल होने वाली है। तो बस कुछ ही टाइम हमको इंतजार करना है गाइज। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 हो गया भाई। तो ये देखो गाइज, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा भाई ये ऑरा, ये सर्कल मेरे साथ साथ वहाँ वहाँ आता रहेगा, मेरी और मेरे टीममेट दोनों की हेल्थ इंक्रीज हो रही है भाई। ये देखो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंक्रीज हो गई भाई, 50-50 हेल्थ मिल गई भाई दोनों को। तो मतलब बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है गाइज। सो गाइज आपको कैसा लगा डीजे आलोक, नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आप इसे परचेज करने वाले हो या नहीं, या फिर आपने इसे ऑलरेडी परचेज कर लिया है, कैसे लगे इसके लुक्स, क्या रेटिंग देना चाहोगे आप इसे, नीचे मुझे कमेंट में सब ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि और कहीं नहीं आपको यहीं मिलेंगे सारे कैरेक्टर के डिटेल रिव्यू, और इसी तरह के और वीडियोस, रशिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और एंजॉय करो गेम प्ले। Turns to sun rays.
Turn us to thousands, and we'll grow.